सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम पे ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के 100 के मूवमेंट्स, जैसे कि स्मार्टीफाई भैया का बहुत ही ज्यादा ओपी वाला सैंड क्लच, ड्रीम का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा बोर्ड क्लच एंड बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग वाला इंसिनसा स्ट्राइडर क्लच एंड देखिए एक्चुअली में कितना ज्यादा हार्ड है। तो गाइस अगर कहीं पे भी बात आती है माइनक्राफ्ट के सबसे हार्डेस्ट क्लच की, देन हम सभी के माइंड में सिर्फ एक ही क्लच का नाम आता है, जो कि ड्रीम का बोर्ड क्लच, जिसमें मैं लिटरली आसमान में बोर्ड क्राफ्ट करके एमएलजी करनी होती है। एंड गाइस लिटरली यहाँ पे फ्लीट भाई ने इस क्लच को पे कर रखा है। फिलहाल गाइस अपने पहले अटेम्प्ट में तो ये यहाँ पे फेल हो जाते हैं, बट एट द एंड गाइस काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद और बहुत सारे अटेम्प्ट करने के बाद ये फाइनल इस क्लच को यहाँ पे कर देते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे ट्राई करना तो बनता है। ओके गाइस, तो मैंने प्लेटफॉर्म तो बना दिया एंड गाइस उस खंबे को आप इग्नोर ही मारो, बेचारे की कमर अकड़ गई है। एंड ओके गाइस, मैं पे पूरा रेडी हो चुका हूँ एंड लेट्स गो गाइस। ओके, अरे ओ भाई साहब यार, ये तो अभी बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे टाइम नहीं मिला क्राफ्ट करने का। लगता है गाइस बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला जितना मैंने यहाँ पे सोचा था, बट कोई बात नहीं गाइस, कंटेंट के लिए मैं करने को तैयार हूँ। और बस ये कहने के बाद यहाँ पे मेरा ग्राइंड शुरू हो जाता है। ओके ओके, अभी नहीं यार, अरे नहीं यार, सीरियसली गया गया, मर गया मर गया। और ये तो बस यहाँ पे ट्रेलर है, यहाँ तो मैं 100 से भी ज्यादा बार मरता हूँ यार। सीरियसली बहुत ज्यादा मचाक हो गया, इस बार पक्का हो करेगा। एंड लेट्स गो गाइस। ओके, अरे नहीं। एंड गाइस एट द एंड 100 बार अपने टारगेट तोड़ने के बाद मैं फाइनल क्लच को यहां पे कर पाता हूं। या आई एम अ सिंप सुपर इंटेंस माइनक्राफ्ट प्लेयर। वेल, तुमको क्या लगा कि मैंने इसको यहां पे सच में कर दिया? फिलहाल क्लच तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, लेकिन एडिटिंग करके लोगों को पागल जरूर बना सकता हूँ। वेल गाइस, अगर बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टीफाई की, देन काफी सारों को उनका एक क्लच बहुत ज्यादा ओपी लगता है, जो कि था यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इनसेन सैंड क्लच, जिनको उन्होंने करा था अपने बाउंटी हंटर वाली वीडियो में। यहाँ नीचे काफी सारे बंदे भी कर रहे हैं ओपी सैंड क्लच। फिलहाल चलो गाइस, इस क्लच को मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ एंड लेट्स सी एक्चुअली में क्लच यहाँ पे कितना ज्यादा हार्ड है। ओके गाइस, तो मेरे पास यहाँ पे कोई प्रो हंटर तो नहीं है, बट यहाँ पे मेरा भाई आ चुका है जो कि एक नंबर का नूब है, बट फिर भी चलो कोई बात है, एटलीस्ट यहाँ पे हंटर का रोल तो निभा सकता है। ओके, तो मेरा भाई यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है, चलो इसको यहाँ पे करते स्टार्ट एंड लेट्स गो। ओके ओके, यहाँ पे मुझे जल्दी जाना होगा, यहाँ से बस फोकस करना है। ओके ओके ओके, बस बस बस, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, नहीं नहीं अभी नहीं, अरे नहीं यार, इतना ज्यादा क्लोज था मैं वहाँ पे। सीरियसली मैंने अपने पहले ट्राई में उसको वहाँ पे कंप्लीट कर दिया था, बट क्या करो यार, मेरी तो यहाँ पे किस्मत ही झंड है, मैं वहाँ पे सीरियसली अटक गया था। फिलहाल गाइस चलो कोई बात है, इस क्लच को यहाँ पे फिर से ट्राई करके देते हैं एंड लेट्स गो। ओके, यहाँ पे चलते हैं, इसमें मेरे पास आप एक स्ट्रेटेजी, मैं हाई ग्राउंड में जाऊंगा, यहाँ पे लगा एक ब्लॉक एंड ओके ओके ओके, बस बस बस, थोड़ा और थोड़ा, ओ ओ यस, यहाँ पे हो गया। ओ भाई साहब, इसको तो मैंने यहाँ पे सेकंड ट्राई में कर दिया, देखा मैं यहाँ पे कितना ज्यादा प्रो हूँ। अगली बार अगर किसी ने नूब बोला ना तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। और मेरा भाई यहाँ पे लिटरली मुझे चिढ़ा रहा है कि क्लच यहाँ पे काफी ज्यादा इजी है वगैरह वगैरह, और मैं भी इसको यहाँ पे बड़े आराम से कर सकता हूँ। फिलहाल चलो, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो इसको यहाँ पे करके दिखा ले। ओके, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस में भागते भागते आ रहा है एंड यहाँ पे कर रहा है। अबे क्या हुआ भाई, वापस को चला गया? पता नहीं भाई, इसके यहाँ पे अलग ड्रामा है एंड वेट, लगता है यहाँ पे सीरियस है बिल्कुल। ओके, यहाँ पे कर पाएगा क्या? एंड लेट्स सी, देख लिया गाइस, ये होते हैं नूब के हाल। फिलहाल क्लास ये क्लास में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी इस क्लास को मैं तुम्हें नेदर फोर्टेस में करके दिखाता हूँ। ओके, देन लेट्स गो। ओके ओके, यहाँ पे मुझे जल्दी से जाना होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से सोचा ना, बस थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके 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 ओके, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ओ हो गया यहाँ पे, देखा मैंने इसको यहाँ पे कितनी इजिली कर दिया। बट तुम इसको मजे मजे में ट्राई मत करना, क्योंकि हो सकता है वहाँ प्रोनेस दिखाने के चक्कर में तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्लच आता है ड्रीम की तरफ से, जिसको उसने करा था अपने एक किसी मैनेंट वाली वीडियो में, जब वो हंटर से एस्केप करा था। तो बेसिकली जो हंटर से भागते भागते इस रास्ते की तरफ जाता है, तो यहाँ पे डेड एंड आ जाता है एंड एट द एंड का जब यहाँ से आगे जाने का उसको यहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिखा, तब उसने इनसीन बोर्ड क्लच करा। फिलहाल इतना ज्यादा चिल्ला रहा कि यहाँ पे मेरे कान फूट गए, बट फिर भी चलो इसको यहाँ पे ट्राई करके देखते कि क्या यहाँ पे रियली इतना ज्यादा हार्ड है। ओके गाइस, तो इस क्लच को यहाँ पे करने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत ही बड़ी सी जगह मिल चुकी है, तो बेसिकली इस क्लच को मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इस आइलैंड से लेकर इस ब्लॉक तक। बट उसको करने से पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत बोट लेनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बोट ली, मेरे ख्याल से इतना यहाँ पे काफी होगा, टेंशन लो गाइस, थोड़ा सा बूट लिया मैंने, ज्यादा नहीं लिया। और यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ पे 100 से भी ज्यादा बार मरने वाला हूँ। एंड चलो गाइस, इस शुमारत का उद्घाटन करते अपने पहले ट्राई से एंड लेट्स गो। ओके ओके, अभी अभी नहीं, फिलहाल का ज्यादा सीरियसली ना लो, ट्राई था, बस ट्राई था, टेंशन ना लो। ओ बेचारे, यहाँ पे क्यूट सांड का बच्चा, और वहाँ देखो सर, उसकी मम्मी वहाँ पे फंसी हुई है, लगता है चाहते कि मैं इसकी मम्मी को वहाँ से बचाऊं। कोई बात है छोटू, मैं तेरी मम्मी को बचाने जा रहा हूँ एंड लेट्स गो, पहले खुद को तो बचा लूं। अरे तेरे इसकी तरह से मुझे यहाँ पे क्लच करने से रोक रहा है, पहली बात तो इतने बड़े दिनों बाद मैं यहाँ पे पुणे का काम कर रहा हूँ और तू यहाँ पे मुझे रोकने आ रहा है, निकल यहाँ से। देखा गाइस, इसे कहते प्रोनस, उस सुअर को मैंने अपने हाथ से मारा।
ओ बेचारा वहाँ पे देखो जरूर अपनी मम्मी को देख रहे हो, कैसे वहाँ पे फंसी हुई है। टेंशन ना ले छोटू, तेरा भाई इसको आप करके दिखाएगा आज तेरे लिए। 1 2 3 ओके गाइस, बहुत ज्यादा मजाक हो गया यहाँ पे, इस बार बिल्कुल यहाँ पे सीरियस होगा एंड लेट्स गो गाइस। ओके 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ओ क्या भाई साहब सीरियसली यार इतना ज्यादा टाइम लग गया ना चीज को यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सारे 100 से भी ज्यादा बार इसको यहाँ पे ट्राई कर लिया। एंड वेट, वो सुअर की मम्मी यहाँ पे कहाँ गई? एक सेकंड, कहीं यहाँ से चली तो नहीं गई? क्योंकि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, पता नहीं कहाँ गई। फिलहाल गाइस बढ़ते हमारे अगले क्लच की तरफ जो कि यहाँ पे दोबारा से ड्रीम की तरफ से। तो बेसिकली ड्रीम अपने मैनेट में अपने दोस्तों से दूर भाग रहा होता है और आता है इस ब्रिज की तरफ और यहाँ नीचे लावा पे जाते हैं, उसकी नजर स्ट्राइडर पे और अपने फिशिंग रॉड से निकालता और उसके पे पकड़ता एंड देन उसके ऊपर, ओ भाई साहब उसने हवा में सैडल पहना दिया स्ट्राइडर को एंड देन उसके ऊपर बैठ गया एंड देन वो कर देता है यहाँ से एस्केप। फिलहाल गाइस इस क्लच को यहाँ पे ट्राई करना तो बनता है, मुझे पता है यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट फिर भी हम इसको यहाँ पे ट्राई करेंगे। ओके गाइस, तो मेरे पास यहाँ पे कोई प्रो हंटर तो नहीं था ड्रीम के फ्रेंड्स की तरह, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से सस्ते हंटर यानी कि अपने भाई को ले लिया है जो यहाँ पे एटलीस्ट हंटर का रोल तो निभा सकता है। ओके भाई, क्या तुम रेडी हो यहाँ पे? ओके देन फिर लेट्स गो। ओके गाइस, सामने मैंने एक ब्रिज बना रखा लावे के ऊपर एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहो यहाँ पे। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ रास्ते को जिससे मेरा पे भाई ना पाए और यहाँ सामने जाना मुझे ऊपर और ये देखो यहाँ पे आ गया ब्रिज हमारा। नीचे देखो काफी सारे स्ट्राइडर है, मेरे ख्याल से मैं इसको यहाँ पे कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे यहाँ पे अच्छी से टाइमिंग करनी होगी। ओके इसको पकड़ते हैं। अरे भाई आ जा। नहीं 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 नहीं, अरे यार नहीं नहीं, हो गया हो गया एंड लेट्स गो गाइस। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे नहीं यार। ओके चलो इस बार मैं यहाँ पे सीरियसली करूंगा एंड लेट्स गो गाइस। ओके ओके जल्दी से यहाँ पे जाना होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे फिर से वही स्ट्रेटजी अपनाऊंगा, यहाँ ऊपर जाऊंगा सबसे पहले, यहाँ पे करूंगा ब्लॉक रास्ता एंड अभी यहाँ पे थोड़ा और ऊपर जाऊंगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे जल्दी आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, फिर से ब्लॉक करता हूँ। ओ भाई सब वो आने वाला था ऊपर। ओके इसको पकड़ते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार आजा आजा। ओके ओ आ गया एंड लेट्स गो गाइस। ओ हो गया यहाँ पे, व्हाट? अबे मैं मर कैसे गया? अबे यहाँ पे क्या सीन हुआ यार, स्कैम हो गया? सीरियसली मैं मर कैसे गया? मैंने यहाँ पे सही तो करा था। ओके गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा मजाक हो गया, अगर इस बार मैं इसको यहाँ पे नहीं कर पाया देन मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा एंड लेट्स गो। ओके यहाँ पे बात फेस रिवील पे आ चुके, इस बार मुझे यहाँ पे इसको करना नहीं होगा। यहाँ पे जाता हूँ ऊपर, सिंपली यहाँ पे कर दूंगा इसका ब्लॉक। ओके यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, फिर से यहाँ पे ऊपर जाना है, यहाँ पे फिर से करना ब्लॉक। ओके 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 हो गया। ओके ओ क्या एंड लेट्स गो। ओ हो गया, व्हाट? हाफ हार्ट में बचा मैं यहाँ पे, सीरियसली मरने वाला था मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट। पता नहीं यहाँ पे मुझे डैमेज क्यों मिला बट एटलीस्ट मैं यहाँ पे बच तो गया हूँ। अबे इसके साथ, अबे यार इसने यहाँ पे स्ट्राइडर को मार दिया। गाइस देखो यहाँ पे काउंट होगा, ये सारा ढोकला पन है। फिलहाल गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड बिग शाउट आउट टू मंडल गेमर वाईटी फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आपको भी ऐसे शाउट आउट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अगली बार, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।